हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं माईसेल्फ अनिमेश सिंह, काफ़ी दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं किया था, बीमार चल रहा था मैं, फीवर आ चुका था, तो अभी ठीक हूँ, सब चीज़ ओके हैं। तो शुरू करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग चैप्टर मैंने पढ़ा चुका था। देखिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग चैप्टर हो चुका था, अपना कम्प्लीट हो चुका था, ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन अपन हम लोग पूरा कम्प्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन आंसर देखिए, ये क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ मैं, आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी रहिए, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। देखिए, यहाँ तक क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन तक मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन है, विच ऑफ दिस कैन ग्रो, ठीक है, तो रॉक, काल्फ, टेबल, टॉय कार, इसमें से कौन बढ़ सकता है खुद से? काल्फ है, गाय के बछड़े को क्या कहते हैं हम लोग? काल्फ कहते हैं, तो मार्क कर लीजिए काल्फ। या इसको ये वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एनिमल दैट ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, इसका क्या आंसर है? बर्ड्स, ठीक है, ये भी मार्क कर लीजिए। थिंग्स विच इज मैन मेड, इसका क्या आंसर होगा? बस, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए इस वीडियो को पॉज करके। और जिसको जिसको क्या कहते हैं वीडियो से आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उन्हें इसका PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, बाय। चलिए, ये फोन नंबर, थिंग्स दैट नीड फूड, क्या होगा? कार, एलिफेंट, हेलीकॉप्टर, चेयर, इसमें से किन किन चीज़ों को खाना चाहिए? एलिफेंट को। थिंग्स दैट कैन मूव बट इट इज नॉट ए लिविंग थिंग, इसमें से कौन सा चीज़ चलती है लेकिन लिविंग थिंग नहीं है? क्लाउड होगा इसका आंसर। क्लाउड चलती है, क्लाउड हवा के सारे एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, लेकिन वह नॉन लिविंग थिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स में आकर पहले इसका एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, ओके। चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। वाटर हाइकेंट इज ए प्लांट दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वाटर हाइकेंट एक प्लांट है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ए फीमेल डॉग गिव बर्थ्स टू ए पपी, फीमेल डॉग एक बच्चे को जो जन्म देती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पपी। ए कॉकरोच हैज एयर होल्स फॉर ब्रीदिंग, ये अंडरलाइन ने किया है, कॉकरोच है एयर होल्स होगा, एयर होल्स है फॉर ब्रीदिंग। और फिर ए लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, कौन सा चीज रिप्रोड्यूस कर सकता है? लिविंग थिंग ओनली कैन रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, याद रखिए। ए मैन फील्स पेन वेन गेट हर्ट, ठीक है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? फील, तो इसे भी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैच द फॉलोइंग में देखिए, कैट के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन, तो कैट का होगा किटन। फिर सनफ्लावर किससे रिलेटेड है? सन से, क्योंकि जिस तरह से सन का पोजीशन चेंज होता है, सनफ्लावर आल्सो रोटेट टुवर्ड्स द सन। ह्यूमन क्या है? सांस कहाँ से लेती है? ब्रीथ, ह्यूमन ब्रीथ थ्रू नोज। लीव्स, स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। मैक्सिमम स्टोमेटा कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द लीव्स, याद रखिएगा, मैक्सिमम स्टोमेटा टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। बर्ड्स ग्रेन्स, बर्ड्स क्या खाती है? ग्रेन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। नेम ए नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, ऐसा नेचुरल नॉन लिविंग थिंग बताइए, इसका क्या होगा? वाटर एंड सॉयल, वाटर एंड सॉयल नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। व्हाट डज ए पपी ग्रो इनटू, एक पपी बड़ा होके क्या बन जाता है? पपी बड़ा होके डॉग बन जाता है। नेम ए मैन मेड थिंग, इंसान द्वारा बनाया गया वह क्या चीज़ है? ये होगा बस। नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ कॉकरोच क्या है? एयर होल्स, ठीक है, ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ कॉकरोच क्या होगा? एयर होल्स होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन मिमोसा लीव्स आर टच, क्या होगा जब मिमोसा लीव्स आर टच्ड हो? तो मिमोसा लीव्स जैसे हम टच करते हैं लीव, लीव्स बंद हो जाते हैं, तो मिमोसा लीव्स गेट क्लोज व्हेन टच, ठीक है, इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट में लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है उसी तरह आपके फेयर कॉपी में लिखा होना चाहिए, ठीक है।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर डी था, देखिए डी था। अब क्वेश्चन नंबर ई में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, गिव टू एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। किसी दो एग्जांपल के बारे में बताइए मूवमेंट में, किसी दो मूवमेंट के बारे में बताइए इन प्लांट। मूवमेंट ऑफ प्लांट में देखिए किस टाइप का मूवमेंट है, एक रूट का मूवमेंट है। किस टाइप का मूवमेंट है, रूट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, ठीक है, रूट हमेशा डाउन की तरफ जाता है, अर्थ के अंदर की तरफ जाता है, कभी रूट ऊपर की तरफ नहीं आएगा, वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में नहीं जाते, जनरली रूट डाउनवर्ड जाती है। तो मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर ले सकते हैं, जैसे बताया सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, जैसे जैसे सन का डायरेक्शन बदलेगी वैसे वैसे सनफ्लावर अपना डायरेक्शन बदलता है। Why do animal moves? Animal चलते क्यों है? Animal चलते खाने के लिए। Animal moves in search of food. Things like a car, a bus or a train can move, but these are non-living thing. Why? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कार जो है, बस है, ट्रेन है, ये सब चल फिर सकते हैं, लेकिन ये लोग नॉन लिविंग थिंग क्यों है? नॉन लिविंग थिंग का क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं है कि चल फिर पाए, नॉन लिविंग लिविंग थिंग के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है। लिविंग थिंग शुड ब्रीद, लिविंग थिंग शुड रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग कैन फील, लिविंग थिंग हैव सेंसेशन, ठीक है, लिविंग थिंग कैन मूव इंडिपेंडेंटली। ये कार जो है वो खुद ब खुद नहीं जाएगा, इसे इंसान लेके जाएगा। बस खुद ब खुद नहीं जाती है, ट्रेन खुद ब खुद नहीं जाती है, इसे इंसान लेके जाता है। तो आंसर देखिए, ए कार, ए बस और ए ट्रेन कैन मूव, बट दे कांट ब्रीथ और रिप्रोड्यूस, सो दे आर नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का। What will happen if you do not give any food to your Barbie doll or teddy? ये क्वेश्चन है, What will happen if you do not give any food to your Barbie doll or teddy? Barbie doll or teddy क्या है? Non living thing है। Non living thing को food की जरूरत होती है? नहीं। Barbie doll or teddy is a non living thing, it does not need food। कुछ नहीं होगा Barbie doll को, क्योंकि वह non living thing है। अब फिर इस पेज में आते हैं। Answer the following question in detail. Enlist at least 5 man-made thing material. कम से कम 5 man-made material का नाम बताइए, कोई भी बता दो, मैं इजी लिखा हूँ। बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल एंड कार, ये सब क्या है? इंसान ने बनाया। बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, कार और man-made material, ठीक है। नेम द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ फिश, कॉकरोच एंड ह्यूमन बींग। फिश कहाँ से सांस लेती है? गिल से लेती है। कॉकरोच कहाँ से लेती है? फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़े थे, एयर होल से। ह्यूमन हम लोग कहां से सांस लेते हैं? हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है, एयर होल्स, फिर लंग्स, फिर ये गिल्स। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ओरल क्वेश्चन है, वन वर्ड सिंगल वर्ड में आंसर देना। नेम टू नॉन लिविंग नेचुरल थिंग, नेम टू नॉन लिविंग नेचुरल थिंग, वाटर, सॉयल, एयर, रॉक्स, ये सब नॉन लिविंग नेचुरल थिंग है, ठीक है। हम वाटर सॉयल लिखे हैं। व्हाई डू सम एनिमल किल अदर एनिमल, एक जानवर दूसरे जानवर को क्यों मारता है? एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है खाने के लिए। एनिमल किल्स अदर एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है। व्हाट डज ए काल्फ ग्रो इंटू, एक काल्फ बड़ा हो कि क्या बनता है? काल्फ ग्रो इंटू काव। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेम एनी टू एग लेइंग एनिमल्स, बर्ड्स एंड हेन। बर्ड्स एंड हेन क्या है? एग लेइंग एनिमल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर हो गया, थ्योरी तो मैंने पढ़ा ही दिया था, सेकंड क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ, जो टाइम आपका बचा रहेगा इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। चलिए अब पार्ट्स ऑफ ए प्लांट देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बता ही दिया था, दो पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, रूट्स होता है और शूट होता है। तो रूट का क्या मेन फंक्शन है? रूट फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। दो टाइप के रूट होते हैं, टैप रूट एंड फिब्रस रूट, याद रखिए। शूट क्या होता है? शूट
सूट सूट में सूट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्रांचेस फ्रूट्स फ्लावर, याद रखिए इसे। बहुत सारे प्लांट के इस सूट बहुत वीक होते हैं, सूट को हम लोग स्टेम भी बोल सकते हैं, जो जिस प्लांट के स्टेम बहुत वीक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, क्लाइंबर और क्रीपर, ठीक है याद रखिएगा। क्लाइंबर क्या होता है, क्लाइंबर दूसरे प्लांट के सपोर्ट को लेके ऊपर जाते हैं, और क्रीपर वो किसी का सपोर्ट नहीं लेते, वह इट वॉक ऑन द ग्राउंड, इट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड ओनली। एग्जाम्पल क्या होगा क्रीपर का, वाटर मेलन एंड पम्पकिन, क्लाइंबर का याद रखिए मनी प्लांट है, ग्रेप्स है। फंक्शन ऑफ द स्टेम भी इंपॉर्टेंट है, स्टेम सपोर्ट ब्रांचेस विच बियर लीव्स बर्ड्स फ्लावर एंड फ्रूट, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, ठीक है याद रखना है। ऐसे मैं एक समरी बनाऊंगा दोनों चैप्टर का, टोटल चार चैप्टर ही है अपने यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में सिर्फ टोटल चार चैप्टर ही है, देखिए टोटल 15 है तो टोटल मैं 4 या 5 करवाऊंगा इस टर्म के लिए, यूनिट 1 के लिए, तो 2 चैप्टर करा दिया और 2-3 चैप्टर करा दूंगा, बस कंप्लीट हो जाएगा अपना साइंस सिलेबस कंप्लीट, फिर मैथ सिलेबस भी इसी मंथ कंप्लीट करा दूंगा, अब फिर बचेगा इंग्लिश जीके कंप्यूटर वो भी नेक्स्ट मंथ कंप्लीट, तो सिलेबस अपना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन का बात नहीं है। लीव्स भी बताया था मैं, लीव्स के 3 पार्ट्स होते हैं, लैमिना लीफ बेस एंड लीफ स्टॉक। लैमिना के लीफ लैमिना में देखिए ये जो मिडिल पार्ट है इसको मिड रिब कहते हैं, और साइड में जो ऐसे ऐसे निकला हुआ है इसको कहते हैं हम लोग वेन। जो लीफ बेस और लैमिना को कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग लीफ ब्लेड कहते हैं, देखिए लीफ ब्लेड लीफ स्टॉक कहते हैं, लीफ ब्लेड लैमिना को ही कहते हैं, जो लीफ बेस और लैमिना को कनेक्ट करते हैं उसको लीफ स्टॉक कहते हैं, लीफ बेस जो ब्रांच से कनेक्टेड है उसको कहते हैं लीफ बेस। फंक्शन ऑफ द लीफ क्या है, लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द फूड फैक्ट्री, लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द फूड फैक्ट्री, लीफ हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, फ्लावर बताए थे, फ्लावर में फ्रूट होता है, फ्रूट में सीड होता है, सीड बड़ा होके नए प्लांट एक बेबी प्लांट को जन्म देता है, तो फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन याद रखिएगा। हम लोग बहुत सारे फ्लावर को खाते भी हैं, जैसे कॉलीफ्लावर ब्रोकली हो गया, फ्लावर का और क्या फंक्शन है, फ्लावर अच्छा स्मेल करता है तो हम लोग डेकोरेशन में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स में बहुत सारे सीड होते हैं, एग्जांपल क्या पपाया गुआवा वाटरमेलन, अभी देख लीजिए गर्मी सीजन चल रहा है, वाटरमेलन में कितने सारे सीड होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं। सीड ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट, एवरी सीड कंटेन ए टाइनी बेबी प्लांट इनसाइड इट, सीड जर्मिनेशन देख लीजिए इन द सीड ग्रो। चलिए जो क्वेश्चन आंसर मैं कराता हूँ, चलिए टिक द करेक्ट है। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट हेल्प टू फिक्स इट इन द सॉइल, तो पहला पार्ट जो प्लांट को फिक्स करता है सॉइल में क्या होगा, रूट। द किचन ऑफ द प्लांट क्या होगा, लीफ। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इन ब्रीदिंग, कौन सा पार्ट ब्रीदिंग में हेल्प करता है, ये है आपका लीफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाले पेज का, इस पेज का ले लीजिए, फिर मैं दूसरे पेज का दिलवाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका इस पे आते हैं, इसका लीफ बता दिए, ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है प्लांट का, लीफ है। द लीफ दैट वी ईट एज ए ग्रीन वेजिटेबल, इसका होगा स्पाइनेज। द प्लांट दैट हैज फिब्रस रूट, गार्लिक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, रूट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट, ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता हो उसे क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। ए लीफ स्टॉक जॉइंस द लैमिना टू द लीफ बेस, लीफ स्टॉक क्या करता है, लैमिना और लीफ बेस को ज्वाइन करता है, अभी बताया था मैंने। लीफ बेस कहाँ पे अटैच रहता है, ब्रांचेस से अटैच रहेगा, और लीफ स्टॉक क्या करेगा, लैमिना और लीफ बेस को ज्वाइन करेगा। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू क्लोरोफिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्ते का कलर ग्रीन क्यों रहता है, इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू क्लोरोफिल, याद रखिएगा हमेशा। द फ्रूट बियर सीड्स दैट ग्रो इन टू न्यू प्लांट्स, ठीक है, फ्रूट में क्या होता है, सीड होता है, जैसे मैंगो में एक देखिएगा सीड होता है, उसे आप छोड़ दीजिए तो देखिए एक नया प्लांट जन्म हो जाता है, तो फ्रूट बियर सीड दैट ग्रो इन टू न्यू प्लांट, सही है। मैच द फॉलोइंग में आते हैं, कैरोट का किससे मैच होगा, कैरोट का मैच होगा आपका टैप रूट से, फ्लावर का किससे, रिप्रोडक्शन से, बताए फ्लावर में सीड होता है, सीड हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, गार्लिक का बताए थे, गार्लिक में फिब्रस रूट होता है,
सुगरकेन स्टेम, सुगरकेन स्टेम से क्यों, स्टेम कटिंग को भी आप स्टेम सुगरकेन लीजिए, इसका स्टेम को काटिए एक दूसरे जगह लगा दीजिए, एक नया सुगरकेन प्लांट हो जाता है, इसलिए स्टेम कटिंग से ये प्रोपेगेट करता है, इसलिए स्टेम। लीफ क्या है, किचन ऑफ प्लांट बताए थे। सीड से क्या होता है, जर्मिनेशन, मार्क कर लीजिए इसे, इसका भी वह ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके पहले वाले पेज का भी ले लीजिएगा अगर नहीं लिए होंगे तो, ठीक है। चलिए आंसर द फॉलोइंग पैटर्न, व्हाट इज लैमिना, लैमिना क्या है, जो लीफ है, लीफ जो फ्लैट एक्सटेंडेड फ्लैट थिन ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लैमिना। डायग्राम में बता देता हूं मैं लैमिना किसको कहते हैं, देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो पार्ट है, ये जो बड़ा ऐसा पार्ट है लीफ का, इसको हम लोग लैमिना कहते हैं। लैमिना इज ए फ्लैट थिन ग्रीन पार्ट ऑफ ए लीफ विच पार्ट ऑफ ए प्लांट बियर फ्लावर, कौन सा पार्ट फ्लावर बियर करेगा, शूट स्टेम, शूट को हम लोग स्टेम भी कहते हैं, स्टेम बियर फ्लावर, नेम ए फ्रूट दैट कंटेन मेनी सीड, ऐसा फ्रूट बताइए जिसमें बहुत सारे सीड हो, इसका होगा पपाया। वाट आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक एक प्लांट का कितना मेन पार्ट है, रूट है शूट है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोटेक्ट द सीड, कौन सा प्लांट सीड को प्रोटेक्ट करता है, फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का, अब ये वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ ए लीफ, सिर्फ दो फंक्शन बताना है, फंक्शन ऑफ लीफ क्या है, पहला फंक्शन क्या है, लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, लीफ हेल्प इन ब्रीदिंग, तो यही लिखा हुआ है, लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट, लीफ हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन बताया मैंने, सीड को अगर प्रॉपरली प्रॉपरली वाटर दिया जाए, एयर दिया जाए, प्रॉपर टेम्परेचर हो, तो सीड ग्रो इंटू ए बेबी प्लांट, तो इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन करते हैं, व्हेन द सीड ग्रो इंटू ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑलरेडी 18 मिनट्स का वीडियो हो गया। चलिए व्हाट इज टैप रूट, मेनी स्मॉल रूट अराइजेस फ्रॉम दिस मेन रूट, दिस मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, एक ऐसा रूट जो डीप जाते जाए उससे बहुत सारे स्मॉल ब्रांचेस निकले, उस टाइप के रूट को क्या कहते हैं, टैप रूट। नेम टू प्लांट दैट हैव वीक स्टेम, ऐसा प्लांट बताइए जो वीक स्टेम हो, ग्रेप्स और मनी प्लांट बताए थे, ग्रेप्स और मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर है, याद रखिए ग्रेप्स और मनी प्लांट क्या है, क्लाइंबर है, क्रीपर में क्या आएगा, वाटरमेलन एंड पंपकिन आएगा, याद रखिएगा, ये 1-2 में भी पढ़ाया जाता है, आप लोग को वापस रिपीट करा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन था, डायग्राम दिया हुआ था, मैच डायग्राम दिया हुआ था और इसे बताना था ABCD क्या होता है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, बता दिया, ये लीफ होता है और ये फ्लावर होता है और ये शूट कहते हैं, इसको रूट कहते हैं, डायग्राम में आप लोग नेमिंग कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ऐसे ही आप लोग को डायग्राम बना देना और नेमिंग कर देना है। अब फिर आते हैं, राइट एनी थ्री फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, फंक्शन ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन, फ्लावर गिव्स नाइस स्मेल, फ्लावर इज यूज्ड एज वेजिटेबल, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया, यही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके बाद भी अगर किसी को कोई अगर नहीं लिख पा रहा है वीडियो को देखते हुए, क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा है, तो मुझे मैसेज कर दे और मैं उसे PDF सेंड कर दूंगा, तो नंबर मेरा नोट डाउन कर लो, 7004841667, ठीक है, इसमें मैसेज कर दो, मैं इसका फोटो लेके PDF सेंड कर दूंगा तुम्हें, 7004841667, ठीक है। चलो बाय, वीडियो एंड करने के पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।